हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज आपके साथ मैं और एक बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन वाला मंगलसूत्र शेयर करने वाली हूँ। मंगलसूत्र बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया 200 ही सुई में मैंने सिला वाला धागा पुर लिया है, गोल्ड मोती पुरोने के लिए धागा। यहाँ पर लिया है मैंने इस तरह का पेंडेंट, ये देखिए दिखने में बहुत ही खूबसूरत है। आप इस तरह से गोल्ड पेंडेंट डिज़ाइन कर सकते हो। यहाँ पर लिया है मैंने स्क्रू, यहाँ पर मैंने ब्लैक और पीले मोती लिया है। यहाँ पर मैंने ब्लैक वाले बड़े मोती लिया है और छोटे पीले मोती लिया है, ये देखिए। पहले यहाँ पर हमें धागा लेना है, ये देखिए धागे को इस तरह से फोल्ड कर लेना है। इस तरह से फोल्ड करते हुए हमें डबल लेयर धागा लेना है, ये देखिए इस तरह से मैंने फोल्ड करके डबल लेयर धागा लिया है। यहाँ पर पीछे कट लगा दिया है, यहाँ पर इस तरह से हमें बांध देना है, ये देखिए। आपको जितना लॉन्ग मंगलसूत्र चाहिए आप उतना धागा ले सकते हो। यहाँ पर मैंने इतना धागा लिया है, धागे को हमें अलग अलग कर लेना है, ये देखिए सामने की ओर। यहाँ पर हमें दोनों धागों में सुई को बांध लेना है, ये देखिए। यहाँ पर मैंने सुई में सिलाई वाला धागा पुरो लिया है और दोनों सुई को हमें यहाँ पर बांध लेना है। यहाँ पर पहले एक सुई में हमें एक ब्लैक और पीला मोती इस तरह से पुरो लेना है, पहला पीला फिर एक ब्लैक, इस तरह से मोती को पुरो लेना है। यहाँ पर मैंने अंदाजे मोती पुरोया है, आप अपने हिसाब से यहाँ पर मोती डाल सकते हो। ये देखिए मैंने यहाँ पर इतने ब्लैक और पीले मोती पुरो लिया है। इसी तरह से हमें दूसरी साइड भी ब्लैक और पीले मोती पुरो लेना है, ये देखिए। आप यहाँ पर मोतियों को ज़्यादा और कम कर सकते हो, अपने हिसाब से यहाँ पर मोती डाल सकते हो। यहाँ पर अभी हमें एक सुई में तीन गोल्ड मोती पुरो लेना है, ये देखिए इस तरह के तीन गोल्ड मोती और बीच बीच में हमने छोटा वाला पीला मोती पुरो लिया है। आप देख सकते हो मैंने किस तरह से पुरोया है, ये देखिए। इसी तरह से हमें दूसरे धागे में भी गोल्ड मोती पुरो लेना है, ये देखिए। यहाँ पर मैंने एक पीला, एक गोल्ड, फिर से एक पीला, इस तरह से मोती पुरो लिया है। ये देखिए यहाँ पर अभी हमें फिर से पीला और ब्लैक मोती पुरो लेना है। यहाँ पर मैंने 10 ब्लैक और 10 पीले मोती पुरो लिया है, ये देखिए। यहाँ पर भी आप मोती कम ज़्यादा कर सकते हो, ये देखिए। इसी तरह से हमें दूसरी साइड भी बराबर मोतियों को पुरो लेना है। यहाँ पर भी मैंने 10 ब्लैक और 10 पीले मोती इस तरह से पुरो लिया है, ये देखिए। फिर से यहाँ पर हमें गोल्ड मोती पुरो लेना है, ये देखिए पीला, फिर से गोल्ड। इस तरह से मैंने तीन गोल्ड मोती पुरो लिया है। इसी तरह से हमें दूसरी साइड भी एक पीला, फिर से गोल्ड। इस तरह से हमें तीन गोल्ड मोती पुरो लेना है। फिर से यहाँ पर हमें 10 ब्लैक और 10 पीले मोती इस तरह से पुरो लेना है। इसी तरह से हमें दूसरी साइड भी मोती को पुरो लेना है, ये देखिए। फिर से यहाँ पर हमें तीन गोल्ड और तीन पीले मोती इस तरह से पुरो लेना है, ये देखिए। फिर से ये साइड भी हमें तीन गोल्ड मोती पुरो लेना है। फिर से यहाँ पर हमें ब्लैक और पीले मोती पुरो लेना है। यहाँ पर भी हमें 10 ब्लैक और 10 पीले मोती पुरो लेना है। इसी तरह से हमें दूसरी साइड भी ब्लैक और पीले मोती पुरो लेना है, ये देखिए। यहाँ पर हमने इतना एक साइड बना लिया है। अभी हमें दोनों सुई को मिलाकर एक गोल्ड मोती पुरो लेना है, ये देखिए। यहाँ पर आप और भी गोल्ड मोती पुरोना चाहते हो तो आप और आगे मोतियों को बढ़ा सकते हो। आपको जितना लॉन्ग मंगलसूत्र चाहिए आप उतना मोतियों को बढ़ा सकते हो, ये देखिए। यहाँ पर मैंने इतना बना लिया है, आगे हमने एक गोल्ड मोती पुरो लिया है। अभी हमें पेंडेंट को पुरो लेना है, ये देखिए। इस तरह से हमें पहले पेंडेंट को पुरो लेना है और सुई को निकाल देना है और बीच में से इस तरह से पकड़ते हुए हमें पेंडेंट को घुमाकर इस तरह से पुरो लेना है, ये देखिए। और ऐसा खींचना है, यहाँ पर हमारा पेंडेंट अच्छे से फिक्स हो जाएगा। यहाँ पर हमें मोतियों को सामने की ओर लाना है, ये देखिए। यहाँ पर हमारा एक साइड बनकर तैयार हो चुका है। इसी तरह से हमें दूसरी साइड भी बनाना है। दूसरी साइड बनाने के लिए फिर से हमें धागा लेना है। इसी तरह से हमें फिर से मोतियों को बराबर पुरोते जाना है। ये देखिए यहाँ पर हमने दूसरी साइड भी बना लिया है। अभी हमें लास्ट में एक गोल्ड मोती इस तरह से पुरो लेना है, ये देखिए। यहाँ पर अभी हमें पेंडेंट को लगा देना है।
यहाँ पर हमें सुई को निकाल देना है, बीच में से पकड़ दे, पीछे की साइड हमें इस तरह से पुरो लेना है। ये देखिए यहाँ पर हमारा पेंडेंट फिक्स हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर हमने दोनों साइड पेंडेंट लगा लिया है। अभी हमें स्क्रू लगा लेना है पीछे की साइड। ये देखिए यहाँ पर पहले हमें स्क्रू को पुरो लेना है और यहाँ पर स्क्रू के बराबर अच्छे से नॉट लगा लेना है। ये देखिए इस तरह से पकड़ते हुए हमें अच्छे से स्क्रू के बराबर नॉट लगाना है। इसी तरह से हमें दूसरी साइड भी स्क्रू को लगा लेना है। ये देखिए यहाँ पर हमने दोनों साइड स्क्रू लगा लिया है। एक्स्ट्रा धागा भी हमें कट कर देना है। ये देखिए आज का ये बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन वाला मंगलसूत्र तैयार है। दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और बनाने में बहुत ही आसान है। आपको आज की ये डिज़ाइन कैसे लगी आप मुझे कमेंट करके बताना, और मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। आपको और भी मंगलसूत्र डिज़ाइन सीखना है तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो, मैंने बहुत से खूबसूरत मंगलसूत्र के डिज़ाइन सिखाया हुआ है। आपको और भी किस तरह के मंगलसूत्र डिज़ाइन सीखना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट मंगलसूत्र के डिज़ाइन के साथ।